हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अवर लास्ट ट्यूटोरियल इन सिमोन गेम डेवलपमेंट। इस ट्यूटोरियल में हम आपको सिमोन गेम का कंप्लीट कोड प्रोवाइड करेंगे एंड आपको ये बताएंगे कि किस आईडीई पे आप इसको एरर फ्री रन करा सकते हैं और उसका क्या मेथड होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिमोन गेम के कोड को कम्प्लीटली। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या करा है, हेडर्स फाइल्स को डिक्लेयर करा है जिसमें stdlib है, stdio.h है, ctype.h है, time.h है एंड stdbool.h है। उसके बाद हमने मेन फंक्शन को कॉल करा है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर रखा है। उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा है। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन सेक्शन जिसके अंदर हमने प्लेयर के लिए कुछ मैसेज प्रिंट करे हैं। जो भी प्लेयर खेल रहा होगा इस सिमोन गेम को, उसको हम लोग सबसे पहले कुछ मैसेज बताएंगे कि इस गेम को कैसे खेलना है। टू प्ले सिंपल सिमोन वॉच द स्क्रीन फॉर अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, वॉच केयरफुली एज द डिजिट्स आर ओनली डिस्प्लेड। For percent u seconds, इसमें हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके कंडीशन को चेक करा है। द कंप्यूटर विल रिमूव देम एंड देन प्रॉम्प्ट यू इंटर द सेम सीक्वेंस, व्हेन यू डू यू मस्ट पुट स्पेसेस बिटवीन द डिजिट्स, गुड लक। उसके बाद हमने एक मेन लूप को यूज करा है, गेम लूप, वन आउटर लूप आइट्रेशन इज द कंप्लीट गेम। तो ये आपका मेन लूप है, इसकी एक आइट्रेशन आपकी एक कंप्लीट गेम को रिप्रेजेंट करेगी, शो करेगी। इसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स को रीइनिशियलाइज करा है। उसके बाद हमने एक इनर लूप का यूज करा है। इस इनर लूप का काम यह है कि ये आपकी सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स को, सीक्वेंस ऑफ रेंडम डिजिट्स को प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमने क्या करा है, srand की हेल्प से रैंडम फंक्शन को सीड करा है। इस लूप का यूज हम लोग रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए कर रहे हैं और उसको डिस्प्ले कराने के लिए कर रहे हैं। इस लूप का यूज हम लोग डिले क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कैरेज रिटर्न फंक्शन का यूज कर रहे हैं जिसका काम है आपका जो प्रिंट हुई सीक्वेंस को रिमूव करना स्क्रीन से। एक कंडीशन चेक हो रही है यहां पर, अगर प्राइस की वैल्यू 1 है मतलब आप पहली चांस बिल्कुल चलना है, तो उस समय क्या होगा, आपको एक मैसेज प्रिंट होगा जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आप स्पेस को छोड़ना ना भूलिए, नहीं तो आपका जो एंट्री है वो गलत मानी जाएगी। उसके बाद हम लोग फिर से सीड कर रहे हैं srand फंक्शन को जिससे कि हम लोग क्या कर सके, यूजर के इनपुट को रैंडम फंक्शन जो जनरेट हुआ था उसे चेक कर सके इस लूप की हेल्प से। और हर थर्ड सक्सेसफुल ट्राई पे क्या होता है, डिजिट की वैल्यू एक बढ़ जा रही है जो हम लोग इस कंडीशन से कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग गेम का आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्लाइटली मॉडिफिकेशन हुआ है गेम में, जो टोटल डिजिट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग ने लिखा था 3 into digits minus 1 digit by 2 minus 1, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करा है, digits minus 2, क्योंकि जो आपका स्कोर आ रहा था वो बहुत बड़ा नंबर आ रहा था तो उसको कम करने के लिए हमने यहाँ पे digits की वैल्यू में -2 कर दिया है। और यहाँ पे F प्लस फंक्शन कॉल करा है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड बफर को खाली कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर प्लेयर से पूछ रहे हैं, अगर आप दोबारा गेम खेलना चाहेंगे तो यस इंटर करिए, अगर आप दोबारा गेम नहीं खेलना चाहते हैं तो एन इंटर करिए। उसके बाद हम लोग ने
कंडीशन चेक करी, अगर y एंट्री हो रही है तो हम लोग का लूप फिर से चलेगा, अगर y के सिवा कुछ भी एंट्री हो रही है तो हमारा लूप नहीं चलेगा। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन को रिटर्न कर दे रहे हैं रिटर्न जीरो स्टेटमेंट से। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट कोड। और लास्ट में इस कोड को हमने देव C++ IDE पे रन कराया है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं आ रही है। इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, जब आप देव या कोड ब्लॉक का यूज कर रहे होंगे, नॉर्मल अगर आप टर्बो C++ पे इसको रन कराते हैं तो जो हमने फॉर लूप के अंदर अनसाइंड इंड डिक्लेयर करा है तो उसको आपको पहले ही और वेरिएबल्स के साथ डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप देव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जाइए, टूल्स पे जाइए, कंपाइलर ऑप्शंस पे जाइए और यहाँ पे इस स्टेटमेंट को राइट कर दीजिए एंड यहाँ पे ऐड के ऑप्शन को चेक कर दीजिए और ओके क्लिक कर दीजिए। तो आपका फॉर लूप के अंदर भी आप वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन कर सकेंगे। ये क्या लिखा है, ये -std=C99। तो यहां से हमारी सिमोन गेम डेवलपमेंट की सीरीज खत्म हो रही है। प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर इट इफ यू लाइक द वीडियो सीरीज। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियो सीरीज के अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।